प्रोडक्शन हाउस अपना जो केपी एंटरटेनमेंट्स अगर फुल फॉर्म देख रहे हैं, खर्चा पानी एंटरटेनमेंट्स, और मेरी फिल्म के दो पिलर मस्त, मतलब पहले की अनिल कुमार जी और उससे पहले के भाई अपने हैं जाहिद पठान जी, ये हमारे दोनों प्रोड्यूसर हैं। और जो है कि फिल्म ये एक्शन भी है और लव भी है और कॉमेडी भी है, मतलब कि इस फिल्म के अंदर फुल मतलब पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो मतलब पूरा अगर देखने जाएंगे तो एंटरटेनमेंट ही है पूरी फिल्म, एक्शन भी है और अपने मतलब कॉमेडी भी है, मतलब हर चीज़ है इस फिल्म के अंदर। अच्छा, पोस्टर की जो हीरोइन नजर आ रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो जो मैम है वो दिल्ली के हैं, बेसिकली हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो दिल्ली के हैं, तो इन्होंने दिल्ली में ऑडिशन रखा था सीनू मैम का, तो सीनू मैम से कि तीन चार लोग सेलेक्ट हुए थे जिसमें ज़्यादा जो बॉडी लुक जो चाहिए था वो सीनू मैम में नजर आया, तो हमने मतलब कि उनको ही कास्ट किया क्योंकि दो से तीन बार ऑडिशन दे चुकी थी और भी तीन चार थी, बट लेकिन जब फाइनल देखे तो ज़्यादा मतलब जो आउटपुट अपने को मिला वो सेनू मैम के ही ऑडिशन में मिला। अच्छा, आज गाने की रिकॉर्डिंग भी है उसके बारे में बताइए। ये जो हमारे पहले फिल्म मतलब कि पहले सॉन्ग की जो रिकॉर्डिंग है इसके जो अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो सुप्रिया पाठक मैम है जो सिंगर, और एक जो है जो सेकंड जो सिंगर हैं वो अपने शायद मालिया सर हैं, तो ये दो लोग हैं। इस फिल्म के अंदर पांच सॉन्ग हैं जिसमें कि एक लव है, एक दो लव सॉन्ग है इसमें, एक आइटम सॉन्ग है और एक जो है अपना क्या नाम है ये पब का जो होता है पार्टी सॉन्ग है। तो कहाँ कहाँ शूट होगा ये फिल्म? 40% हम इंदौर में शूट करने वाले और 40-20 के आसपास जो है अपना दिल्ली में शूट करेंगे, बाकी सब यूपी में शूट होगा। ये अपना मई में फर्स्ट वीक में हम जो है फ्लोर पे जाएंगे इंदौर में। नहीं, बेसिकली ये फिल्म का एक सीन का एक सिचुएशन है कि दोनों मतलब तीनों एक जगह मिलते हैं कोर्ट के अंदर, तो वो इसलिए जो है कि लड़का लेफ्ट निकल जाता है लड़की राइट निकलती है। नहीं, इसमें बेसिकली तो यही है कि सीखना मतलब कि अब एक हिसाब से जो है लड़का सीख ही रहा है जो हीरो है, और ऑडियंस जरूर सीखेगी जो है इसके अंदर है कुछ जो मैसेज है जो लोग सीखेंगे इससे। सर जी, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि इस फिल्म का टाइटल हम नौसिखिया इसका? ये फिल्म भी जो मतलब कि टाइटल का जो ये था कि हमारे जो अनिल भैया थे, कहानी हमने सुनाई थी जब अनिल भैया को पहले, तो अनिल भैया भी बोले थे कि इसका अगर टाइटल अगर रखा जाए तो नौसिखिया इसकी बेहतर है। एक्शन भी होगा क्या इसके लिए? इस फिल्म में एक्शन है, जो हीरोइन एक्शन कर रही है। अच्छा, इस फिल्म के एक्टर के बारे में कुछ बताएं। इस फिल्म के अंदर जो है कि मेरे हिसाब से जो सपोर्टिंग कास्टिंग जो है पूरी टोटल, और या जो मेन लीड हीरो और हीरोइन जो है वो दोनों मार्केट के होंगे, और जो सपोर्टिंग कास्टिंग वो भी मार्केट की होगी, और 80% लोग मार्केट के होंगे, 20% लोग जो है मतलब कि नए लोग होंगे। अभी क्या है उनको मतलब कि हुई है ना कि बर्बली बात हुई है जो बता नहीं सकते हो कि मतलब किससे किससे, क्योंकि जब तक हम डेट उनका ले नहीं हम उनको प्रॉपर हमको डेट अपना दे नहीं जब तक बता नहीं सकते। अनिल जी, कितना बजट है फिल्म का? एक करोड़ के लगभग इसका बजट है। एक करोड़ का जी। अच्छा तौफीक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म से? मेरी एक मुलाकात हुई थी सर से, इन्होंने मेरे को थोड़ा स्क्रिप्ट वगैरह बताया, मुझे अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी थोड़ी कहानी, मैंने सोचा कि करते हैं। तो रहने की आप काफी फिल्म मैंने ऑडिशन कर चुका हूँ और ये मेरी फर्स्ट फिल्म है और देखते हैं। डायरेक्टर भी आप नहीं, इसमें जो है कहें मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ सीजन में करते थे वही होंगे, जैसे चंद्रा जी हैं। फिल्म का थीम क्या है, किस टाइप की फिल्म? अगर देखने जाएंगे तो वही है कि लव स्टोरी है फिल्म। ये मेरे हिसाब से दिसंबर एंड तक, मतलब कि हम तो वही सोच रहे हैं कि जैन में जैन फर्स्ट वीक ही रहे क्योंकि नया साल नहीं, उनके सामने तो टक्कर नहीं दे सकते भाई, और बट ये है कि नए साल और दिसंबर एंड और जैन फर्स्ट वीक ये दोनों के बीच में प्लानिंग हुई है अभी तक। फिल्म हाँ थोड़ी सी कहानी जो 20% है वो अदालत के ऊपर ही है, और जो कि है जिला सत्र न्यायालय जो है तो बेस वही है। मैं ऑडिशन लिया और मैं जे सिलेक्ट किया पिक्चर के लिए, ये गांव का रोल है छोटा सा, और इसमें उन्हें लगा कि ये मैं कर सकती हूँ,
इसलिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। क्या रोल क्या फिल्म में आपका? फिल्म में हीरोनी के बैक साइड में, हीरोन के बैक साइड में। किस तरह का किरदार उन्होंने पूरी कहानी रोशन की है। जीतू जी आप बताइए किस तरह के किरदार हुआ, कैरेक्टर जो है इनका? बेसिकली गाँव की लड़की है, इनके फादर बहुत ही अच्छे ईमानदार प्रिंसिपल है गाँव के, तो एक ईमानदार प्रिंसिपल के फैमिली में क्या घटित होता है वो भी गाँव में है, तो ईमानदार लोग कैसे जीते हैं वो सबको पता ही है, तो उनके बैकग्राउंड से ही है और उस ईमानदारी को झेलते हुए एक प्यार में पड़ते हैं और प्यार को आगे ले जाते हैं। कैसे प्यार करते हैं वो फिल्म के अंदर देखेंगे। बहुत कुणाल भाई है काफ़ी, मैंने सर के साथ मैंने आज तक जो है घर में कुछ नहीं तो 4-5 फिल्में की मैंने आर्ट डायरेक्शन सर के साथ में, और एक फिल्म एक मतलब कि सर की और मेरी एक सोच थी कि एक फिल्म जो है कि प्रोडक्शन हाउस हो केपी एंटरटेनमेंट या खर्चा पानी एंटरटेनमेंट जो है फुल फॉर्म, और फिल्म जो है हमने करीब कुछ नहीं तो साल भर पहले या 1.5 साल पहले सोचा था कि एक फिल्म बनाए नौसिखिया इस, जो टाइटल हमारे दिमाग में उस टाइम पूरा पाठ आया था, और बेसिकली तो 20% जो स्क्रिप्ट का जो मतलब कि 20% जो स्क्रिप्ट का जो दिमाग है वो सर का ही था, और उसके बाद जो है कि आज जो है उस फिल्म को हमने मुहूर्त कर लिया है। आज उस वो 20% का 100% तक ये ले आए हैं। 20% आया क्या? ये देखिए बेसिकली मैं निर्देशक बाद में हूँ, पहले राइटर हूँ, तो इस तरह के बहुत सारे थॉट आते हैं, वो थॉट में से कौन सा कोई साथ वाले दोस्त हैं उसने रहमत ने जब सुना उसको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ये चीज़ इस बीच पे कुछ बोया जा सकता है और एक पेड़ निकल सकता है, तो वही हुआ। एक और भी कई आइडियाज थे, हम लोग तो जब मिलते हैं जब कोर टीम मिलती है, जब एक्टर ये डायरेक्टर एंड आर्ट डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर जब सब मिलते हैं तो बहुत सारे आइडियाज हम लोग आदान प्रदान होता है, तो उसमें से ये सीरियसली शुरू हो गया ये चीज़। पता चल रहा है प्यारी अधूरी जानकारी को नौसिखिया बोलते हैं। फिल्म में एक ऐसी लड़की है जिसके पीछे सब भागते थे, जैसे आजकल आम बात हो गया है, राह पर निकले कोई लड़की मिल गई, भाभी मिल गई तो देखते ना होता है प्यार हो गया, वही फिल्म का मेन मुद्दा है कहानी होता है, सपोर्ट है मुझे क्या रोड में सीखने को मिल रहा है तो फिल्म में करो मौका मिल रहा है। मैम जो है ये हमारे सोनू मैम है जो फिल्म की सेकंड लीड हीरोइन है, और अपने जो हेलेन फोंसेका मैम है वो फिल्म के अंदर जो है माँ का किरदार कर रही हैं, और अपने हमने तो जाहिद भाई को इंट्रोड्यूस करा ही दिया है। माँ का किरदार कर रही हूँ, और माँ हमेशा एक माँ ही रहती है, अपने बच्चे को जो साथ लेके चलेगी या उसके सही या गलत को दिशा देगी, उम्मीद रखती हूँ कि मैं सही दिशा दूँ उसको, फिल्म हिट हो, और रहमत जी डायरेक्ट कर रहे हैं तो होप इट गोज अ बिग हिट। हटके टाइटल है, अच्छा है, नाम भी जल्दी मुंह में आता है, और शायद कुछ अच्छा सीखने मिले इसमें से। जी मैं बोलना चाहूँगा कि गाना एक रोमांटिक गाना है, और आजकल आप सभी को पता ही है कि गानों का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है फिल्म में, गाने ही होते हैं फिल्म को हिट करते हैं जो फ्लॉप करते हैं, अगर गाना अच्छा नहीं है तो शायद फिल्म पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका, और इस गाने को शाहिद माल्या जी और सुप्रिया पाठक जी गा रहे हैं, तो अभी सुप्रिया जी की वॉइस में रिकॉर्ड हो चुका है, शाहिद भाई भी अभी बस गाना सुन रहे हैं और होने वाला है। सिंगर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सिंगर्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं, शाहिद माल्या जी को तो आपने काफ़ी गानों में सुना होगा, अभी कितने गाने उनके हिट हो चुके हैं, सुप्रिया जी ने भी काफ़ी फिल्में की हुई हैं, और जैसे कि कौन कौन सी फिल्म थी आप बताइए? लास्ट सरबजीत थी। हाँ, सरबजीत जैसी फिल्मों में भी इन्होंने अपनी वॉइस दी हुई है, और इसके अलावा आपकी जो है लव के फंडे भी थी, शायद लव के फंडे, इश्क के परिंदे, ऐसी कुछ फिल्म थी। राइट। आज का ये गाना रिकॉर्ड हुआ वो किसके पिक्चराइज किया जाएगा? ये देखिए ये पिक्चराइजेशन में तो डायरेक्टर साहब ही आपको ज़्यादा बता सकते हैं, जो अहमद अली जी हैं हमारे, और
हीरो हीरोइन पे रहेगा, एक मैम है हमारी हीरोइन तो साथ में है हमारे, इनके ऊपर पिक्चराइज होगा और एक हीरो और रहेंगे जो भी शायद से उनको चूज नहीं किया गया है तो करना बाकी है। इसमें टोटल 5 गाने हैं मूवी में और सब अलग अलग तरह के रहेंगे। रोमांटिक सॉन्ग्स हैं 2, जिसमें से एक हो चुका है, फिर एक आइटम सॉन्ग है, एक पार्टी सॉन्ग है, वो सब अभी दे आर येट टू बी कंपोज एंड दे आर येट टू बी। किस तरह का संगीत आप मिलेगा इसमें? देखिए इसमें आपको वैसे आज के ज़माने का ही मिलेगा क्योंकि फिल्म आज के ज़माने की है तो म्यूज़िक भी वैसा ही रहेगा। एक फुल पैकेज मिलेगा आपको जिसमें मतलब रोमांटिक से लगा के पार्टी सॉन्ग्स हर तरह के गाने रहेंगे और कोई जॉनर जैसा नहीं है फिल्म का कि जैसे कोई पुराने टाइप का म्यूज़िक हो या अभी जो कॉमर्शियली मतलब हम लोगों का कोशिश है हम लोगों की कि कॉमर्शियली क्या बेहतर से बेहतर और हिट से हिट गाने दिए जाएँ, तो इस तरह का म्यूज़िक है इसमें। बहुत अच्छा कंपोज किया है दुष्यंत जी ने और हम लोग ऑक्टेव्स में हैं तो कुछ अलग आपको सुनने को मिलेगा। रोमांटिक गाना था, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। देखिए गा के उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, मेरे ख्याल से गाना रिलीज हो जाने दीजिए फिर सबको पता चल जाएगा। सोलो है डुएट है? ये डुएट सॉन्ग है भाई जी के साथ। अच्छा आजकल गाने जो रिकॉर्ड होते हैं कंपनियों की डिमांड के हिसाब से गाने रिकॉर्ड करते हैं लोग, लिखते हैं, क्या ऐसा कोई प्रेशर ऐसा कुछ इसमें भी था आपने? नहीं, इसमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, हालांकि आजकल सुनने को आता है कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक कंपनी उसका वो रहता है इंटरफेरेंस, बट इसमें हम लोग अपने हिसाब से ही कर रहे हैं, गाने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बेहतर है, क्या सिचुएशंस की डिमांड है, उस हिसाब से हम लोग म्यूज़िक कर रहे हैं। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. Is par kuch roshni daliye. Roshni leader ke saath apne aap chalti hai. Aur hum kya roshni dalenge uske upar? एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं, तो ये एक हिंदी वर्जन है तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? द ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर for innovative outdoor solutions.